Chaudhary Khalil is now Tissang village head. He defeated Raj Dulari by 153 votes and garnered total of 1,427 votes. People from both Hindu and Muslim community have gathered together to celebrate his victory. हिंदू भाइयों ने मुझे बहुत वो दिया सहयोग, इन्हीं की वोट पर से मैं जीता, इन्होंने ही मुझे इलेक्शन लड़ा। क्या वजह थी कि कितने साल से हिंदू जीतता आ रहा था, इस बार मुस्लिम भाई को चुना और उसे जितवाया हिंदू भाई लोगों ने, क्या वजह थी? मतलब बहू ने कुछ खूबी दिखाई थी मेरे अंदर, भाई ईमानदार से काम करेगा और ईमानदार से ही काम करूंगा। विकास की योजना के विकास की विकास कैसा करोगे गाँव में? अच्छा विकास करूंगा जी। किस तरीके, क्या नया लाना चाहते हो गाँव के अंदर? भाई बनाना चाहते हो, बच्चों की पढ़ाई पे कुछ? ये भी चाहता हूँ, हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, स्कूल भी, स्टेडियम भी, खेल कूद के लिए भी, बच्चों का पानी की टंकी, ये नई चीज, हाँ ये चाहता हूँ मैं। और हमारे गांव का पानी भी खराब हो गया, ये जो हैंडपंप लगे हुए हैं ये, इनका पानी भी खराब हो गया, ये चेंज का इरादा है इनका। सब चीजों के लिए काम करोगे जी? हिंदू भाइयों के साथ पूरे गांव की ग्रामीण जनता को किस तरीके से धन्यवाद दोगे जिन्होंने? हाथ जोड़ के दूंगा जी और उन्हीं से मिलकर चलूंगा, उनकी कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, जैसे चाहेंगे ऐसे प्रदान नहीं करूंगा। एक तक मिसाल है हिंदू मुसलमान में भी, जो पहली बार हुआ। The happiness on the faces of the people in the hamlet of Uttar Pradesh displays the sense of togetherness, unity and harmony among the people. उठे तो हम पहले जो सोचती होती कि लोग कुछ यूं कहते थे कि हिंदू जो है मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करने का, हमारा कहना था कि हमारे गांव में जो है आसपास का, तो आसपास के जो थे उन्हें पता, हमारे गांव में जो सियाणियों से लगे हैं 1500-1400 वोट हैं। हमने यूं कहा था कि तिहाई की वोट तो मिलनी चाहिए, मतलब 400-450 वोट जितने आप पोलिंग हो उससे तिहाई की वोट तो मिलनी चाहिए। हम अनुमान ठीक रहा, हमारा उतनी वोट मिली हिंदू भाइयों की खलील को। उसके बाद हमारी भी वो प्रतिज्ञा की भाई हम लेट के दो कांवड़ चढ़ाओगे अगर भगवान सुन ले, और अपने घर से मंदिर तक की मतलब लेट के परिक्रमा वो करेंगे, पैदल होगी 900-1000 मीटर करीब, 1 किलोमीटर लगा लो, लगाओ था कुछ एक ही होता कारण की मुसलमान जनों के आते मुसलमान प्रधान नहीं बन सकता। हमने सोचा भगवान जी आपके तो बनाते बनते एक वोट से जिता दे और इनका भरम तोड़ दे, एकता बनी रहा बस। Along with other people from the village, Moolchand Sharma, a Hindu believer, also paid obeisance to the god. Such efforts help to maintain and spread the harmony and unity across country.